आदर पे गोपीलता नायक सहकारी शिक्षयत्री कामदेव साधना पब्लिक स्कूल विद्यालय द्वारा स्थिरकृत विशेष स्तरीय शिक्षादान पद्धति को मु स्वागत जनाई सप्तम श्रेणी बहर शिला खनिज पदार्थ विषय प्रथम भाग जा द्वितीय भाग आलोचना करने को जाने शिला खनिज पदार्थ कौन तुम्हें जान आम भूतक शिलार गठित यही खनिज पदार्थ मिश्रण से शिला सृष्टि होता है। शिला गुड़िकर रंग आकार गठन भिन्न भिन्न होता है। आम जान लें भूतक शिला को मुख्यतः तीन गोटी भाग विभक्त कराइला गोटे आग्नेय शिला गोटे अवक्षिप्त शिला स्तरीभूत शिला आ गोटे रूपातरित शिला पे आज पढ़ा आग्नेय शिला। आग्नेय शिला को दिभागे विभक्त कराई गोटे निश्रभज गोटे अंतर्भेदी ताले निश्रभज कौन अंतर्भेदी कौन आम से जाना। आग्नेय शिला है कौन पे भूतक तले शिला तरल अर्धतरल अवस्था थाए यह माग्ना कहती से माग्ना बेले बेले भूपृष्ठ को बही आए भूपृष्ठ में माग्ना को कौन कहती लाभा बोलिकी कहा जाए। ये लाभा धीरे धीरे शीतल आण हो जाए टाण हो जाए यह आग्नेय शिला कह जाए। प्रथम सृष्टि होता आग्नेय शिला को प्राथमिक शिला कहती एटा सर्वप्रथम होकु आम आग्नेय शिला को प्राथमिक शिला तार आउ गोटे ना है प्राथमिक शिला आम कहीपर पे आग्नेय शिला को दुई प्रकार गोटे निश्रभज आग्नेय शिला गोटे अंतर्भेदी आग्नेय शिला केतक ज्वालामुखी अति उत्तप्त तथा तल माग्ना भूपृष्ठ लाभा आकार जमा हुए यह शीघ्र शीतल आ कठिन होता है। भूपृष्ठ से सृष्टि यह शिला को निश्रभज आग्नेय शिला कह जाए। यह शिला गुड़िक अति छोट छोट रेणु द्वारा गठित जमी बासालाट ए प्रकार शिलार उदाहरण मन रहा निश्रभज आग्नेय शिला छोट छोट सब भूपृष्ठ सृष्टि मानने छोट छोट रेणु द्वारा गठित यही है उदाहरण है बासालाट। बासालाट गोटे प्रकार शिला बेले बेले माग्ना भूपृष्ठ से पहुंच पारे ना यह भूतक शिलास्तर मध्य धीरे धीरे शीतल और कठिन हो शिलात हुए यह अंतर्वेदी आग्नेय शिला कह जाए। मन रहा भूतक शिलास्थल मध्य धीरे धीरे शीतल आ कठिन हो शिलार परिणत हुए यह अंतर्वेदी आग्नेय शिला कह जाए। ए प्रकार शिलार बड़ बड़ स्पटिक दाना रही था ग्रानाइट ए प्रकार शिलार एक उदाहरण ग्रानाइट देखि थो सब घर मानक ग्रानाइट पड़े से ग्रानाइट है अंतर्वेदी शिला मन रखी ग्रानाइट है अंतर्वेदी आग्नेय शिला से भाया बड़ बड़ शिलाखंड गुड़ी को क्रम फाटी जाए छोट हो जाती यह व्यतीत उच्च भूमि गड़ा द्वारा परस्पर सह घर्षण जो शिला छोट छोट गोड़ी बाली बा धूली परिणत हुए। गोड़ी बाली धूली को जलस्रोत और पवन आदि सहजरे बोही नहीं उच्च स्तर मान स्तर स्तर कर सब निम्न भूमि जमा करते कौन है ना जोर पवन हुए गोड़ी बाली आ धूली को जलस्रोत आ पवन दीटा केवल पवन नुहे पवन आ जलस्रोत दीटा जाक बोहिकी नहीं निम्न भाग तल भाग सब जमा करती कठिन हो धीरे धीरे कठिन हो शिलार परिणत हुए। ए प्रकार सृष्ट शिला को अवक्षिप्त शिला स्तरीभूत शिला कह जाए। जमी उदाहरण स्वरूप बालुका राशि कठिन हो बालीपथर में परिणत हुए। ए प्रकार शिलार विभिन्न प्राणी ओ उद्भिद मृतदेह अवशिष्टांश जीवांश संचित हो रही था पे भूतक अभ्यंतर अत्यधिक ताप और चाप प्रवाह में केतेक आग्नेय और स्तरीभूत शिलार रूपगुण में परिवर्तन हुए फल एगुड़िक नूतन शिलार परिणत हुए एगुड़ी को रूपांतरित शिला कहुए। उदाहरण स्वरूप जमी कर्दम शिला रूपांतरित हो स्लेट्रे ओ चूना पत्थर मार्बल रे परिणत होता है। से माने शिला आमर अति दरकारी पदार्थ कठिन शिला गुड़ी को रास्ता गृह तथा अन्यान्य निर्माण कार्य व्यवहार करा जाए। गोड़ी बा पाली रगड़ा व्यवहार कर पे विभिन्न खेल खेल था पे देख ये दुटा चित्र देला गोटे कोणारक चित्र गोटे ताजमहल चित्र तुम्हें जान आश्चर्य हे प्रत्येक शिला अनुकूल परिस्थिति में अन्य एक शिलार परिणत होता है। यही परिवर्तन एक नियमित धारा होता है जहाँ आम शिलाचक्र बोलिकी कहा जाए। आम जानते आग्नेय शिला छोट छोट खंड हो निम्न भूमि में सब जमा होता है क्रमे यह अवक्षिप्त शिलार परिणत हुए। उभय आग्नेय और अवक्षिप्त शिला अत्यधिक चाप आपर
प्रभाव शिला रूपांतरित शिला परिणत होता है। रूपांतरित शिला अत्यधिक तापर प्रभाव में आसिले अर्ध तरल मग्नार परिणत हुए। यही मग्ना पुणी शीतल और कठिन हो आग्नेय शिल परिणत होता है। यहाँ शिलाचक्र कहते पे शिलाचक्र कौन जान लगे जान सब आम देख मग्ना एक बा एकाधिक खनिज द्रव्य मिसी शिला सृष्टि होता है। खनिज द्रव्यर निर्दिष्ट भौतिक गुण आउ रासायनिक गठन थाए। मानव समाज पर खनिज द्रव्य यथेष्ट गुरुत्व रही। केतेक खनिज द्रव्य को जाळने व्यवहार करा जाय थाए। कोइला प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम यार उदाहरण से भाया लुहा बक्साइट और सुना ये खनिज द्रव्य शिल्प व्यवहार करा जाय थाए। यह व्यतीत विभिन्न रासायनिक सार ओ औषध शिल्पर खनिज द्रव्यर व्यवहार करा जाय थाए। धन्यवाद पिला मैंने।